साधना और समाधान चैनल के माध्यम से भक्तजनों, आज मैं आपको प्रेम प्रसंग की समस्या को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली सम्मोहन विद्या, सम्मोहन वशीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मोहनी का शक्तिशाली वशीकरण मीठे पान के द्वारा। ये जो मीठे पान के द्वारा सम्मोहन होगा माता मोहनी जी का, बहुत ही शक्तिशाली भक्तजनों ये वशीकरण है। जो भी आपके दिल के प्रिय है, जिससे भी आप सच्चा प्यार करते हैं, अगर वह व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया है तो उस व्यक्ति की वापसी होगी इस सम्मोहन विद्या के द्वारा, जो मैं आपको ये मीठे पान की विद्या बताऊंगा। इसके लिए भक्तजनों, ना ही आपने किसी जंत्र, ना ही किसी तंत्र और ना ही किसी मंत्र का भक्तजनों जाप करना है। केवल एक पान के द्वारा ही, एक मीठे पान के द्वारा ही पूर्ण रूप से वशीकरण होगा। जैसे चैनल के ऊपर पहले भक्तजनों मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड की हुई है माता मोहिनी जी की साधना करने के लिए, आपका कारोबार बढ़ाने के लिए, और मोहिनी माता के बहुत से जंतर मंत्र तंत्र बताए गए हैं आकर्षण के लिए। लेकिन ये जो सम्मोहन विद्या होगी, ये जो मीठे पान से वशीकरण होगा, जो आपके रिलेशनशिप में व्यक्ति होगा उसके ऊपर ही इसका ज़्यादा असर होगा, जो आपको छोड़कर चला गया है या आप में कला क्लेश रहता हो, तब भी माता मोहिनी का जे मीठे पान का जे जो उपाय, जे जो वशीकरण है, जे जो सम्मोहन विद्या है, तो पूर्ण रूप से कार्य करेगी। इसके लिए आपने ना ही कोई चिराग लगाना है भक्तजनों, और ना ही आपने कोई साधना करनी है। तो माता रानी के भक्तजनों, जिस विधि के अनुसार आपने ये पान का उपाय करना है कि कैसे ये वशीकरण करेगा जिस व्यक्ति के लिए आप करना चाहते हैं, तो उसकी मैं आपको ये संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसी विधि के अनुसार ये उपाय करेंगे तो पूर्ण रूप से माता मोहिनी का ये शक्तिशाली वशीकरण होगा उस व्यक्ति के ऊपर। लेकिन ये जो मीठे पान की ये जो विधि है भक्तजनों, आपको करनी पड़ेगी शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन आपको ये विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। पाँच शुक्रवार रेगुलर आपने इस विधि का प्रयोग करना है। आपने इस विधि का प्रयोग कैसे करना है भक्तजनों, आपने लेना है एक मीठा पान, और ये जो मीठा पान आपने तैयार करना है भक्तजनों, एक तो इस पान के ऊपर आपने चूना नहीं लगवाना, और इसकी जो डंडी होगी, जो पान की डंडी होती है, वह साथ में पत्ते के रहनी चाहिए, वो डंडी आपने कटवानी नहीं। उसी के ऊपर आपने जे माता मोहिनी जी का पान लगवाना है, मीठा पान। और इसका आपने प्रयोग कैसे करना है, जिस व्यक्ति के लिए भक्तजनों आप ये आकर्षण करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति की आप वापसी चाहते हैं, उसको अपनी सम्मोहन विद्या में बांधना चाहते हैं, तो आपने ये जो प्रयोग करना है, इस पान को आपने शुक्रवार वाले दिन लेकर जब सूर्य अस्त हो रहा हो, माता मोहिनी जी का नाम लेकर, और जिस व्यक्ति के लिए आप ये कार्य कर रहे हैं उस व्यक्ति का आपने नाम लेना है 7 बार। इस पान को अपनी हथेली के ऊपर, दाएं हाथ की हथेली के ऊपर आपने पान को रखना है, और उस व्यक्ति का आपने 7 बार नाम लेना है जिस व्यक्ति के लिए आप ये आकर्षण करने जा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम लेने के बाद 7 बार, और इस पान के ऊपर आपने एक फूंक मार देनी है, और उसके बाद इस पान को या तो भक्तजनों आप पीपल के पेड़ के नीचे रख दें माता मोहिनी जी का नाम लेकर, और उस व्यक्ति को अपनी आँखों में बसाने के बाद, या फिर आप आँख के मदार के पौधे के नीचे भी आप इसको रख सकते हैं, या फिर कहीं पर माता मोहिनी जी का मंदिर बना हुआ हो तो वहाँ पर भी आप भक्तजनों इस पान को चढ़ा सकते हैं। और ये जो विधि है भक्तजनों, इस पान चढ़ाने की ये जो विधि है, आपने 5 शुक्रवार रेगुलर इस विधि का प्रयोग करते रहना है, 5 शुक्रवार रेगुलर।
ये जो माता मोहनी जी की सम्मोहन विद्या का वशीकरण करने वाला ये जो मीठा पान है भक्तजनों, आपने चार शुक्रवार तो एक एक पान ही लेकर जाना है। जहाँ पर भी आपने अर्पण करना है, आग के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे या फिर माता मोहनी जी के मंदिर में। लेकिन जब पांचवा शुक्रवार होगा तब आपने भक्तजनों दो पान लेकर जाने हैं। इसी विधि का ऐसे ही आपने प्रयोग करना है। उसी विधि के अनुसार आपने हथेली के ऊपर दो पान रखने हैं। उसी विधि के अनुसार ही उस व्यक्ति का सात बार नाम लेकर उसके ऊपर आपने भोग लगानी है और एक पान तो आपने अर्पण कर देना है और एक पान को आपने अपने साथ अपने घर में लेकर आना है। उस व्यक्ति का नाम लेकर जिसके लिए आप जिस सम्मोहन विद्या का प्रयोग कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम लेकर इस पान को किसी डिब्बी में आपने बंद कर लेना है और पान को बंद कर लेने के बाद आपने अपने घर में कहीं पर भी लाकर इसको रख सकते हैं। अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे भक्तजनों पांच शुक्रवार रेगुलर, तो जिस व्यक्ति के लिए भी आप जिस मोहन विद्या का प्रयोग कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की आप वापसी चाहते हैं, तो पूर्ण रूप से वह व्यक्ति आपके आकर्षण में आ जाएगा। इतना शक्तिशाली जिस मोहन होगा माता मोहनी जी के इस मीठे पान का। आप जिस व्यक्ति के लिए भी भक्तजनों इस सम्मोहन विद्या का प्रयोग करेंगे अपने आकर्षण में लाने के लिए, जब उस व्यक्ति की वापसी हो जाए, जो आपके घर में वो डिब्बी में पान पड़ा है, जब वो व्यक्ति आपके आकर्षण में पूर्ण रूप से आपके पास उसकी वापसी हो जाए, तो आपने वह पान फिर से जहाँ पर पहले आप अर्पण कर रहे थे, पीपल के पेड़ के नीचे या माता रानी के मंदिर में या फिर आकमदार के पौधे के नीचे, तो वहीं पर आपने फिर से उस पान को अर्पण कर देना है। बहुत ही शक्तिशाली ये सम्मोहन होगा भक्तजनों। कहीं पर भी कोई व्यक्ति बैठा हो जो आपके आकर्षण में हो, चाहे वो बाहर NRI हो या जहाँ पर हो व्यक्ति, वो तो पूर्ण रूप से वशीकरण करेगी माता मोहनी की ये विद्या, मीठे पान की यह जो विद्या है। और इसका जो प्रयोग है भक्तजनों, स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है, लेकिन करना है भक्तजनों जब सूर्यास्त हो रहा हो। बहुत ही शक्तिशाली इससे वशीकरण होगा, सम्मोहन विद्या का ये जो मीठे पान का वशीकरण है। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई विधि एक नई साधना लेकर। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।